एक योजना जैसे अभी जिसको हमने लॉन्च किया वो है प्राणवायु देवता। आप लोगों को पता होगा इसकी घोषणा मैंने की थी कि जिन पेड़ों की आयु 75 साल आंकी गई है, अब वो एकदम एग्जैक्ट तो शायद नहीं होगी, पहली बार कर रहे हैं तो उसका जो आंकड़े का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना कोई सिस्टम बनाया होगा, लेकिन उसमें सबसे मांगी थी एंट्रीज करवाई थी उसे, तो उस एंट्रीज में जितने भी आए थे उसका निरीक्षण करने के बाद 3810 पेड़ ऐसे निकले हैं राज्य में जिनकी आयु 75 साल से ऊपर है। मेरा मानना है कि शायद और भी निकल सकते हैं कुछ, वन विभाग अगर नॉन फॉरेस्ट, अच्छा ये नॉन फॉरेस्ट है, हाँ फिर ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत ऐसे पेड़ होते हैं, तो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है 3810, इनका 2750 रुपये वार्षिक के हिसाब से आज इनको सबको पेंशन भेज दी गई है। पंचायतों की लैंड पर है तो पंचायतों को गई है, प्राइवेट पर है तो प्राइवेट को गई है, और ये उसकी देखरेख करने के लिए, और एक बड़ा पेड़ है उस बड़े पेड़ की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। एक घोषणा मैं और कर रहा हूँ, वो वन विभाग को भी पूरी करानी है, कि 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस होता है, तो मेरा ऐसी एक अपील है आप लोगों के माध्यम से कि उस गांव के लोग, आसपास के लोग 5 मई को, क्योंकि पर्यावरण दिवस है, इसकी उसकी पूजा जरूर करें, क्योंकि अधिकांश इसमें पीपल के पेड़ हैं, 1285 तो इसमें पीपल के ही पेड़ हैं लगभग आधे, और उसके बाद बरगद के हैं, जाल है, मीठी जाल, नीम, जंडी, आम, कृष्ण कदम, पिलखण, जामुन, ढाक, ढाक ढाक तो छोटा पौधा होता है, ढाक का क्या पेड़ गुल्लर, गुल्लर, खारी जाल, बेरी, खिरणी, इमली, ढोक, शीशम, बारना, बरना, बेल, हरड़, सिंबल, बहेड़ा, लसूड़ा, रोहेड़ा, मौलसरी, अर्जुन, इंदिरा ढोक, कैर, खैर, कीकर, ये कीकर भी है 75 साल की, तो ये कुल मिलाकर 3810 पेड़ हैं जिनकी आज हमने पेंशन भेजी है। जिला वाइज भी इसमें सबसे ज्यादा रेवाड़ी में है, फिर यमुनानगर में है। इस प्रकार से इन पेड़ों का, इनके प्रति श्रद्धा का भाव इसलिए रखें क्योंकि आखिर वातावरण को शुद्ध रखने में इतना बड़ा योगदान इन्होंने दिया है 75 साल तक। और भी पेड़ इस श्रेणी के आगे बढ़े, बल्कि कुछ जो पेड़ एक निश्चित आयु के बाद हो जाए तो उनके ऊपर कोई डेट का एक लगा देना चाहिए, तख्ती या कोई थोड़ा ऊपर करके कि लोग उसको हटाना सकें, या कोई चिपका दें या कील से लगा दें, ताकि सन कौन सा इसके, इसके पेड़ पौधारोपण का सन अपने आप ही पता लग जाए कि कितने साल का हो गया। जिसकी जमीन पर, जिसकी जमीन पर है वो उसको, हाँ वही वही इसका दे, वो पंचायत को जाएगा, किसी विद्यालय में है तो शिक्षा विभाग को जाएगा, उस विद्यालय के नाम जाएगा, मतलब यानी बहुत एक अनोखी ये पहल है। और इस पहल का जब मैंने घोषणा की थी तो बहुत स्वागत हुआ था, और ये पेंशन जैसे हमारी वृद्धावस्था पेंशन है उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी, फर्क इतना ही है कि वो पेंशन मासिक होती है वार्षिक होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।